नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ दिन बाद नया वर्ष शुरू होने वाला है, जिसको हम इंग्लिश वर्ष बोलते हैं। तो नया वर्ष दिसंबर की 31 तारीख के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा और सभी लोगों को, हम जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को ये कामना रहती है, ये इच्छा रहती है कि हमारा जो आने वाला वर्ष है वो कैसा रहेगा। हर स्थिति में हमारा जो आने वाला साल है वो हमारी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, हमारी परीक्षाओं के लिए कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति हमारी कैसी रहेगी, घर हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, परिवार में लोग किस प्रकार से रहेंगे, इस प्रकार की सारी चिंताएं जो हैं वो लोगों को बनी रहती है। और साथ ही उन चिंताओं को जानने की इच्छा भी होती है कि किस तरह से हम उस चिंताओं को या उन परेशानियों से पार पा सकें। हम आपको जो 2024 का राशिफल है वो 7 बिंदुओं पर देने वाले हैं। 7 बिंदु कौन कौन से होंगे? पहला होगा आपका स्वभाव, कि किस प्रकार से आपका पूरे वर्ष स्वभाव रहेगा। दूसरे नंबर पर बताएंगे आपका करियर, कि आपका करियर किस प्रकार से उतार चढ़ाव या जो भी कुछ होगा उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आपकी पारिवारिक स्थिति बताएंगे, किस प्रकार से परिवार में आपका संतुलन रहेगा या नहीं रहेगा, क्या क्या होगा। तो तीसरे नंबर पर बताएंगे हम आपको परिवार के बारे में। फिर चौथे नंबर पर आपको बताएंगे आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से रहेगा। पाँचवें नंबर पर आपको बताएंगे आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहेगी। छठे नंबर पर हम आपको प्रतियोगी परीक्षा, शिक्षा या परीक्षा जिस प्रकार से भी आपके जीवन में रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी, और लास्ट में इन सभी चीज़ों में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है तो उसको दूर करने के क्या उपाय रहेंगे, ये 7वें नंबर पे आपको उपाय बताएंगे। तो इन 7 बिंदुओं पर हम राशियों की गणना करेंगे या राशियों के बारे में आपको बताएंगे कि साल भर इन बिंदुओं पर आपका साल कैसा रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि की। तो चलिए, अभी मैंने जो 7 बिंदु बताए हैं उन 7 बिंदुओं में से पहला जो बिंदु है वो है स्वभाव, कि आपकी राशि का स्वभाव इस साल किस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए हम जान लेते हैं स्वभाव के बारे में। जहाँ तक मीन राशि के स्वभाव की बात है, तो मीन राशि के जातक अपने चिन्ह मछली की ही तरह शांत, बहुत कोमल और दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। इनका स्वभाव बेहद सहानुभूतिपूर्ण होता है, इस कारण से काफ़ी लोग इन्हें पसंद करते हैं। यह लोग आदर्शवादी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। कई बार तो इन्हें कल्पना और तथ्य में भेद करना भी कठिन हो जाता है। यानी ये लोग देखा जाए तो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, कोमल होते हैं, शांत होते हैं, कल्पनाओं में जीना इनको पसंद होता है, इस प्रकार के ये लोग होते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपका करियर किस प्रकार से रहने वाला है इस 2024 में, आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस सभी के बारे में जानते हैं। अगर बात की जाए इनके करियर की, तो व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष सामान्य फलदायक रहेगा। द्वादश भाव पर शनि के प्रभाव से आप अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने में कठिनाई का अनुभव करेंगे, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर आपका जो काम है वो अंजाम तक पहुंचेगा। अप्रैल के बाद कार्य व्यवसाय के लिए समय अनुकूल हो रहा है, यानी कि अप्रैल के बाद आपका समय ठीक रहेगा, लेकिन अप्रैल से पहले आपको प्रॉब्लम जाएगी। सप्तम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि व्यापारिक व्यक्तियों के लिए शुभ है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं या व्यापार करते हैं उनके लिए शुभ रहेगा। जो व्यक्ति साझेदारी में कार्य कर रहे हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। आप शनि की 7.5 के प्रभाव में रहेंगे, इसलिए ज़्यादा अच्छे परिणाम के लिए आपको बेहद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 7.5 शनि की दृष्टि चल रही है, समय चल रहा है। इस कारण से ये मत सोचिए कि आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, और अगर सफलता चाहिए तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कई बार आपको लगेगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन 7.5 में धैर्य और मेहनत ही आपके सच्चे दोस्त हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो कोई करियर की बात, अब हम बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति, कि आपकी राशि का जो पारिवारिक स्थिति है, यानी आपकी जो पारिवारिक स्थिति है वो किस प्रकार से रहने वाली, आपके घर में शांति रहेगी नहीं रहेगी, ये क्या क्या आपके परिवार में हो सकता है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जहाँ तक मीन राशि की परिवार की पारिवारिक दृष्टि की बात है, तो पारिवारिक दृष्टि से वर्ष अच्छा रहेगा। वर्ष का जो प्रारंभ है, पहले 3 महीने हैं वो अच्छे रहेंगे। वर्ष के प्रारंभ में द्वितीयेश गुरु के प्रभाव से आपके परिवार में किसी सदस्य की वृद्धि हो सकती है। या तो आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो सकता है, या फिर आपके घर में किसी लड़के की शादी हो सकती है, जिससे बहू घर में आए और सदस्य की वृद्धि हो। अप्रैल के बाद भाइयों का भी पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। समाज में आपका पराक्रम बना रहेगा। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे। केतु के कारण पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है। आप अकेले रहना चाहेंगे। संतान के लिए वर्ष का प्रारंभ अनुकूल है। द्वितीय भाव के गुरु के प्रभाव से आपके बच्चों की उन्नति होगी। इस समय के अंतराल में आपके बच्चों के साथ आपका भावनात्मक लगाव भी बढ़ेगा। चलिए, परिवार हो गए, अब हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, कि आपका स्वास्थ्य 2024 में किस प्रकार से रहने वाला है। क्योंकि जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक आप किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं ले सकते, इसलिए स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जहाँ तक मीन राशि के स्वास्थ्य का सवाल है, तो राशि के राहु के प्रभाव से
आप छोटी मोटी बीमारियों के कारण परेशान हो सकते हैं। यदि पहले से कोई रोग नहीं है तो सावधानी बरतें। संतुलन खानपान के साथ दिनचर्या भी अनुशासित रखें। सुबह शाम व्यायाम और योगाभ्यास करें। द्वादश शनि के प्रभाव से यदि कोई बीमारी लंबे समय से आपको परेशान कर रही है तो इसका स्थायी उपचार इस वर्ष मिल सकता है। यानी अगर मान लीजिए कोई लंबे समय से आपकी कोई बीमारी है तो हो सकता है इस साल आप ऑपरेशन करवा के या किसी प्रकार से उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो होगी स्वास्थ्य की बात, अब हम जान लेते हैं आर्थिक स्थिति, क्योंकि सबसे ज़रूरी अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति ही है। अगर आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी तो बाकी के काम आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपके पास अगर पैसा होगा तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, किसी भी परेशानी से आप निकल पाओगे। इसलिए आर्थिक स्थिति का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम जानते हैं। जहाँ तक आर्थिक दृष्टि के सवाल है मीन राशि का, तो आर्थिक दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ सामान्य रहेगा। द्वितीय स्थान पर गुरु ग्रह के गोचर प्रभाव से आपके धनागम में निरंतरता बनी रहेगी। यानी कि शुरू के जो तीन महीने हैं उस हिसाब से देखा जाए तो सामान्य रहेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा। अप्रैल के बाद धार्मिक व सामाजिक कार्यों में भी आपका ध्यान व्यय करेंगे, जिससे आपको आत्मिक प्रसन्नता का अनुभव भी होगा। आर्थिक स्थिति के बाद हम बात करते हैं आपकी शिक्षा की, परीक्षा की या प्रतियोगी परीक्षा की। यानी किस प्रकार से आप, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उसमें आपको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। जहाँ तक बात है परीक्षा की, प्रतियोगिता परीक्षा की मीन राशि वाले लोगों के लिए, तो परीक्षा प्रतियोगिता के लिए ये वर्ष सामान्य रहेगा। छठे स्थान पर शनि एवं गुरु के संयुक्त दृष्टि प्रभाव से आप प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होंगे। कुछ अनुभवी व्यक्तियों से मिलकर आप अपनी कार्यशैली सुधार लेंगे। अप्रैल के बाद समय थोड़ा प्रभावित हो सकता है, उस समय आपको सफलता प्राप्ति के लिए बेहद मेहनत करनी पड़ सकती है। तो चलिए, अभी तक हमने छः बिंदुओं पर बात की है। अगर इन छः बिंदु में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको जा रही है, जिस प्रकार से आपने सुना होगा, तो उसमें आपको कुछ प्रकार की अगर प्रॉब्लम जा रही है, तो सातवां बिंदु यानी कि उपाय जान लेते हैं कि इन परेशानियों से जो आपको इन छः बिंदुओं में कोई परेशानी आई है, तो इस परेशानी को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उसका क्या उपाय है। तो चलिए जान लेते हैं हम उपाय के बारे में। जहाँ तक मीन राशि के उपाय की बात है, तो शनिवार के दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाना है और शाम के समय चौमुखी दीपक जलाना है। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करना है और संभव हो तो उनको चोला भी आप चढ़ा सकते हैं। उपाय के बारे में, तो इस प्रकार से हमने हमारी राशि का संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर आप बाकी राशियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी राशियों के लिंक मिल जाएंगे। आप वहां से अपने परिवार के अन्य सदस्यों की राशियों के बारे में जान सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम अगली राशि के बारे में बात करेंगे। तो आप रहिए खुश, मुझे दीजिए आज्ञा।